हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 18.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड एंड अ क्यूब। इस वीडियो से पहले एक्सरसाइज 18.2 के तीन पार्ट में बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, जिन बच्चों ने आरडी शर्मा की लेटेस्ट एडिशन की बुक नहीं खरीदी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। इट हैज अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। सबसे पहले समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन है 4000 और साथ में आपको गिवन है कि पर डे पर हेड जो पानी की नीड है, ठीक है, पर हेड यानी पर पर्सन पानी की जो नीड है वो कितनी है, 150 लीटर्स। यानी हर इंसान को हर दिन 150 लीटर्स ऑफ पानी की नीड होती है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि यहां पर आपको एक टैंक भी गिवन है। ओके, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आपको गिवन है, मेजरमेंट आपको यहां पर गिवन है। लेट से दिस इज योर वाटर टैंक, लेंथ है 20 मीटर, ब्रेथ है 15 और हाइट है 6 मीटर। ओके, सो दिस इज योर वाटर टैंक। इसके बाद पूछा है फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, यानी कि कितने दिन तक ये पानी इस्तेमाल हो सकता है, कितने दिन चलेगा, है ना। तो यही आपसे पूछा है, नंबर ऑफ डेज आपसे पूछे हैं, कितने दिन तक ये वाटर यूज हो सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपको गिवन है लेंथ, ओके, ब्रेथ और हाइट। तो सिंपली आप इस टैंक का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे या फिर हम कह सकते हैं कैपेसिटी आप फाइंड कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं कैपेसिटी, और यू कैन राइट वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ टैंक, और यू कैन राइट क्यूबॉइडल वाटर टैंक। ओके, तो ये आपका क्या है, एक क्यूबॉइड की शेप में है। तो सिंपली आप यूज करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहां पर आप वैल्यूज को सिंपली पुट कर देंगे। ओके, 20 इंटू 15 इंटू 6, ओके, तो ये आपका आ जाएगा 1800 मीटर क्यूब, है ना। इसको आप लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, इंटू 1000। तो आप सिंपली यहां पर लिखेंगे 1800000, ओके, दिस विल बी इन लीटर्स। इसके बाद आप फाइंड कर लेंगे जो टोटल पॉपुलेशन है ये कितना पानी इस्तेमाल करेगी पर डे। ओके, तो ये आप कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। तो आपको पर डे का, पर हेड का यहां पर गिवन है वाटर नीड, ठीक है, 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। तो सिंपली आप क्या करोगे, 4000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल पॉपुलेशन आपको गिवन है और यहां पर हेड का गिवन है, यानी एक इंसान का जो पानी का नीड है वो है 150 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो 4000 का कितना होगा, आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4000 को 150 से, जैसा कि मैंने यहां पर किया है। ओके, सो यू विल राइट वाटर कंज्यूम्ड बाय पीपल ऑफ विलेज इन वन डे, एक दिन में कितना पानी इस्तेमाल होगा पूरे विलेज के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आपका 600000 लीटर्स ऑफ वाटर विल बी यूज्ड बाय विलेज इन वन डे। तो देखिए, हम यहां पर मान लेंगे कि ये जो एक्स है इसको हमने लेट किया है। एक्स क्या है, लेट वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट फॉर एक्स डेज, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, है ना। लास्ट में यही तो पूछा है, फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, कितने दिन तक ये पानी चलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ये जो आपने टोटल वाटर निकाला है, ठीक है, जो गांव वाले इस्तेमाल कर रहे हैं 600000, ओके, इसके बराबर आप रखोगे ये टोटल कैपेसिटी इस वाटर टैंक की, यही तो होगा, है ना। यू विल राइट 1800000, है ना। यहां से आपके पास एक्स का वैल्यू फाइंड होके आ जाएगा।
आप इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो आपका 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका सॉल्व हो क्या जाएगा 3 से, ठीक है. सो एक्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ डेज, जितने दिन ये पानी यूज हो सकता है. तो ये जो पानी है ये गांव वाले 3 दिन तक यूज कर सकते हैं, इसके बाद ये पानी खत्म हो जाएगा, है ना, यही तो आपसे पूछा था. तो यहां पर इस क्वेश्चन को हमने 3 स्टेप में सॉल्व किया है. पहला, आपने यहां पर कैपेसिटी निकाल ली इस वाटर टैंक की, ठीक है, ये आ गई आपके पास 18 लैक्स ऑफ लीटर. इसके बाद आपने फाइंड कर लिया वाटर कंज्यूम्ड बाय पीपल ऑफ विलेज इन वन डे, ठीक है, ये भी आपको गिविन था, टोटल पॉपुलेशन गिविन थी और पर डे पर हेड के हिसाब से भी आपको यहां पर नीड गिविन है 150 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है. इसके बाद ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया. इसके बाद आपने थर्ड स्टेप में क्या किया, नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये जो वाटर कंज्यूम्ड बाय पीपल ऑफ विलेज इन वन डे था इसको हमने नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने लेट कर लिया एक्स, ठीक है. तो ये आपका टोटल कैपेसिटी के बराबर होगा, ठीक है. तो यहां से आपने नंबर ऑफ डेज फाइंड कर लिए, इस तरीके से आपका आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू 3. तो यहां पर आप लिख सकते हो डज द वॉटर ऑफ टैंक लास्ट फॉर 3 डेज एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की. अ चाइल्ड प्लेइंग विद बिल्डिंग ब्लॉक्स विच आर ऑफ द शेप ऑफ द क्यूब्स हैज बिल्ड अ स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर 18.12. इफ द एजेस ऑफ ईच ऑफ वन क्यूब इज 3 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय द चाइल्ड. तो चलिए बच्चों अब समझते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है. देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जिसको लग रहा है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे आसान कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता. तो यहाँ पर बोला गया है एक छोटा बच्चा है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है, ठीक है, और उस बिल्डिंग ब्लॉक की जो शेप है वो कैसी है, क्यूब की फॉर्म में. आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे क्यूब्स हैं. लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट क्यूब, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, 11, 12, 13, 14 और ये 15, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, 15 हैं. आपने काउंट भी कर लिए कितने हैं टोटल, 15. इसके बाद बोला गया है इफ द एजेस ऑफ ईच ऑफ वन ऑफ द क्यूब इज 3 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय द चाइल्ड. जैसा कि आप बुक के अंदर देख सकते हैं यहां पर डायमेंशन भी मेंशन होगी, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपकी हाइट है. इसके बाद जो ब्रेथ है वो भी 3 सेंटीमीटर की है और लेंथ भी आपकी 3 सेंटीमीटर की है, क्योंकि ये आपका क्या है, एक सिंगल क्यूब है, ठीक है, ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूब है. तो लास्ट में आपसे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय द चाइल्ड. तो टोटल वॉल्यूम आपसे पूछा है, ये जो आपके क्यूब्स हैं 15, इन सब का वॉल्यूम आपसे पूछा है. तो देखिए आपको क्या करना है, एक क्यूब का वॉल्यूम आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और टोटल क्यूब आपके पास कितने हैं, 15, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, जो एक सिंगल क्यूब का वॉल्यूम निकल के आएगा और आपके पास है 15, तो आप 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा. तो चलिए देखते हैं कैसे. आप सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब क्या होगा, साइड क्यूब होगा, ठीक है, ओके, तो ये निकल के आएगा आपका 3 × 3 × 3, ये हो जाएगा आपका 27 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. तो ये आपका वन क्यूब का वॉल्यूम है. अब आपको निकालना है टोटल वॉल्यूम, तो टोटल क्यूब्स कितने हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है, आप लिख लीजिए यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स वी हैव 15, ठीक है, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या बताया था मैंने, वन क्यूब का आप वॉल्यूम यहां पर लिखेंगे 27, ठीक है, और आपको निकालना है सबका, ठीक है, टोटल निकालना है. तो टोटल क्यूब्स आपको मालूम है 15 है, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम निकल के आ जाएगा. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 405 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, तो ये आपका टोटल वॉल्यूम होगा. देखो कितना आसान था, हमने क्या किया, सिर्फ एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल लिया
और आपको मालूम है, आप यहाँ पर देखकर बता सकते हैं टोटल क्यूब्स कितने हैं, 15 है, तो सिंपली एक क्यूब का आ गया और 15 का निकालना है टोटल, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अ गोडाउन मेजर्स 40 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। तो चलिए अब समझते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। एक गोडाउन है, ठीक है, गोडाउन का मतलब होता है स्टोर रूम, जहां पर बहुत सारा सामान स्टोर किया जाता है, स्टॉक रूम भी बोल सकते हैं, स्टोर हाउस भी बोल सकते हैं, और साथ में उसका मेजरमेंट भी आपको गिवन है। लेंथ है 40 मीटर, ठीक है, इसी बात को मैंने यहां पर लिख दिया है, लेंथ है 40 मीटर और ब्रेथ है 25 मीटर, ठीक है, इसको भी यहां पर लिख दिया है, और इसकी हाइट है 10 मीटर, ठीक है। इसके बाद बोला गया है ज्यादा से ज्यादा कितने वुडन क्रेट्स इस पर्टिकुलर मेजरमेंट के इस गोडाउन के अंदर आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। ये आपके क्या है, वुडन क्रेट्स हैं, लकड़ी के खांचे। बेसिकली ये जो वुडन क्रेट है इसके अंदर हम सामान रखते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है, और इन सभी वुडन क्रेट्स को हमने क्या किया है, गोडाउन में रख दिया है। तो यहां पर आपको बताना है कितने नंबर ऑफ क्रेट्स, ठीक है, उस गोडाउन के अंदर आप रख सकते हो। ये जो गोडाउन है आप यहां पर मेजरमेंट को देखकर बता सकते हैं ये क्या है, आपका क्यूबॉइड है, ओके। तो सिंपली आप इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मैंने यहां पर मान लिया एल क्या है, लेंथ ऑफ गोडाउन, बी क्या है, ब्रेथ ऑफ गोडाउन, और एच है हाइट ऑफ गोडाउन। तो यहां पर सिंपली आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे और ये आपका आ जाएगा 10,000 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। इसके बाद आप कैसे सॉल्व करोगे, देखिए इसके बाद आपको गिवन है ये जो वुडन क्रेट है, सिंगल वुडन क्रेट, इसका मेजरमेंट आपको गिवन है, ठीक है, सिंगल वुडन क्रेट का मेजरमेंट आपको गिवन है, ठीक है, लेंथ आपको गिवन है और हाइट आपको गिवन है, ठीक है, ब्रेथ भी गिवन है, ओके। तो आप क्या करेंगे, यहां पर इसको नोट कर लेंगे, लेंथ 1.5 है और ब्रेथ है 1.25 मीटर, हाइट है 0.5 मीटर, ठीक है, हमने यहां पर नेमिंग कर दी है L1, B1 और H1, सो दैट कि यहां पर आप डिफ्रेंशिएट कर सके, ठीक है। इसके बाद आप सिंगल वुडन क्रेट का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, ओके, आपस में तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो वुडन क्रेट है ये भी क्या है आपका, इट्स अ क्यूबॉइड, ओके। तो सिंपली आप इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 0.9375 मीटर क्यूब, ओके, ये इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। इसके बाद आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, कितनी नंबर ऑफ क्रेट आप गोडाउन में स्टोर कर सकते हो। तो देखिए बहुत सिंपल है, आपने टोटल वॉल्यूम फाइंड कर लिया गोडाउन का, इसके बाद आपने वॉल्यूम फाइंड कर लिया सिंगल वुडन क्रेट का। तो सिंपली आपको करना यह है, ये जो टोटल वॉल्यूम निकल के आया है गोडाउन का, इसको आपको डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ सिंगल वुडन क्रेट से, ठीक है। इससे होगा क्या, आपके पास नंबर ऑफ वुडन क्रेट निकल के आ जाएंगे कि कितने आप गोडाउन में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी बात को मैंने यहां पर लिख दिया है, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ वुडन क्रेट, ठीक है, ये आपका सिंगल वुडन क्रेट का वॉल्यूम है जो हमने यहां पर फाइंड किया है, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर देंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 0.9375, तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा 10666 डेसिमल 666, इस तरीके से ये चलता रहेगा। लेकिन आपको इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखना है, आप लिख सकते हैं 10666, ओके। सो दीज आर द नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स कैन बी स्टोर्ड इन दी गोडाउन, ठीक है, ये नंबर ऑफ क्रेट्स होंगी, ठीक है, जिनको आप गोडाउन के अंदर स्टोर कर सकते हैं, एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, जैसे हमने उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया है वैसे ही करना है, इसलिए मैंने ऑलरेडी यहां पर स्टेटमेंट्स को लिख दिया है, ठीक है, आपका टाइम बचाने के लिए। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लें अच्छे से, ठीक है, उसके बाद मेरी बात को सुने। तो चलिए अब समझते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। एक वॉल है जिसको खुले मैदान में बनाया गया है, ठीक है, ओपन ग्राउंड में, ओके, लेट्स से दिस इज योर ओपन ग्राउंड, ओके, दिस इज योर ओपन ग्राउंड और ये आपकी क्या है, वॉल है, और वॉल बेसिकली क्या होती है, क्यूबॉइड की तरह होगी। लेंथ आपको गिवन है 10 मीटर, ठीक है। इसके बाद बोला गया है
हाइट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर, इसकी हाइट भी आपको गिवन है, ठीक है। थिकनेस ऑफ द वॉल इज 24 सेंटीमीटर, तो यहां पर थिकनेस का मतलब है जो ब्रेथ है उसके बारे में बोला गया है, ठीक है, ये आपकी गिवन है 24 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला गया है इस दीवार को ब्रिक्स की हेल्प से बनाया गया है, ईंटों की मदद से, ठीक है, और हर ईंट की जो डायमेंशन है वो आपको यहां पर गिवन है 24 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछा है हाउ मेनी ब्रिक्स वुड बी रिक्वायर्ड, तो इस दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटों की जरूरत होगी, है ना। तो जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम यहां पर करेंगे। तो मेरी बात को आप यहां पर ध्यान से सुने, जो वॉल है बेसिकली वो क्या है आपका क्यूबॉइड, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है तो आप वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, ओके। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां पर एक बात समझा देता हूं, जैसे लेंथ आपको गिवन है 10 मीटर, इसको आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि यहां पर जो ब्रिक है इसकी जो यूनिट है वो भी आपकी सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो हम यहां पर सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कैलकुलेशन पार्ट आपका आसान हो जाएगा। तो लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये आपका 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा। थिकनेस आपकी ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। हाइट आपकी 4 मीटर है तो यहां पर भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, 400 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद आप वॉल्यूम निकाल लेंगे और जो आपकी वॉल है वो आपकी क्यूबॉइड है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। इसके बाद आप वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे सिंगल ब्रिक का, ठीक है, इंडिविजुअल जो ब्रिक है उसका आप वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, लेंथ आपकी 24 सेंटीमीटर, यहां पर देखो 12 सेंटीमीटर ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, ठीक है, तो यहां से आपका वॉल्यूम निकल जाएगा सिंगल ब्रिक का, ओके। तो यहां पर जो डायमेंशन आपको गिवन है लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये एक सिंगल ब्रिक का है, आप यहां पर देख सकते हैं, लेट्स से ये आपकी सिंगल ब्रिक है, इस तरह से बहुत सारी ब्रिक्स होंगी जिनसे आपकी ये कंप्लीट वॉल बनेगी, ठीक है, ओके। तो आपने यहां पर वॉल्यूम फाइंड कर लिया, इसके बाद आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, कितनी ईंटों की जरूरत होगी इस कंप्लीट वॉल को बनाने के लिए। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 में किया था वॉल्यूम ऑफ द वॉल, ठीक है, इसको आप डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक से, ठीक है, ये आपका टोटल वॉल्यूम होगा वॉल का, ओके, इसको आप इंडिविजुअल ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा कितनी ब्रिक्स इस वॉल को बनाने के लिए इस्तेमाल हुई है, कितनी यूज हुई है, ओके। तो आप इसको यहां पर सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 4166.6, ठीक है, इसको आप राउंड ऑफ करके यहां पर यू विल राइट अप्रोक्सीमेटली 4167, ठीक है। सो दीज आर द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू मेक दिस वॉल एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं आज के वीडियो की लास्ट क्वेश्चन की। If V is the volume of a cuboid of dimension ABC and S is its surface area, then prove that 1 upon V is equal to 2 by S into 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C. तो आपको ये प्रूव करना है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार समझ लेते हैं आपको क्या बोला गया है। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम जो है क्यूबॉइड का वो यहाँ पर V है, ठीक है, और उसकी डायमेंशन आपको गिवन है एबीसी। तो चलिए हम सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं लेंथ आपको गिवन है क्यूबॉइड की ए, ठीक है, ब्रेथ आपको गिवन है बी और हाइट आपको गिवन है सी, ठीक है। तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आपका वी है, ठीक है, यहां पर आपको वी बोला गया है, वी से डिनोट करना है, वॉल्यूम हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, ये आपका लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एबीसी, ओके। और यहां पर सरफेस एरिया को डिनोट किया गया है एस से, तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया हम यहां पर लिख लेते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, ठीक है, यही होता है। तो आप इसको यहां पर लिख लेंगे, ठीक है, एबीसी की फॉर्म में, ओके, लेंथ आपको गिवन है
ब्रेथ आपको बी है और हाइट सी है, तो आप यहां पर सिंपली लेंथ ब्रेथ हाइट की जगह एबीसी लिखेंगे। ओके तो चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं एबी प्लस बीसी प्लस एसी, ठीक है। ओके इसके बाद क्या करना है, देखिए यहां पर आपने वॉल्यूम लिख लिया और सरफेस एरिया लिख लिया। इसके बाद आप इस इक्वेशन को आप यहां पर लिख लें जो आपको प्रूफ करनी है, 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 2 बाई एस इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ठीक है। तो हम यहां पर ये जो आपका राइट हैंड साइड है इसको लेकर चलते हैं, ठीक है, जो आपका राइट हैंड साइड है इसको हम लेकर चलते हैं और इसके बराबर हम इसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर जो एस का वैल्यू है सरफेस एरिया, ठीक है, ये आपको पुट करना है। ओके तो चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, यही होगा। ओके इसके बाद आप यहां पर इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, इसको आप यहां पर सॉल्व कर लें अच्छे से, तो ये आपका निकल के आएगा एबीसी। तो यहां पर आपका एलसीएम आ चुका है एबीसी। इसके बाद जब आप यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में आपका ए है, ठीक है, इसके बाद आपका बीसी आएगा यहां पर। ओके इसी तरीके से यहां पर भी सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा एसी प्लस यहां पर आपका आ जाएगा एबी। ओके अब यहां पर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, 2 से 2 आपका कट हो जाएगा और ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है ये भी आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है, तो आपका यहां पर बचेगा 1 अपॉन ए बी सी, ठीक है, यही तो बचेगा। और यहां पर हम लिखते हुए आ रहे थे 1 अपॉन वी, ठीक है। अब आप जानते हैं एबीसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आप यहां पर देखिए एबीसी की जगह हम यहां पर लिख सकते हैं वी, क्योंकि ये वी के बराबर ही तो है, वॉल्यूम के बराबर, तो आप यहां पर लिख सकते हैं 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यहां पर आप प्रूव कर चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और यही आपको प्रूव करना था। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।